हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है माइक्रो चैनल पर। मैं हूं कमलेश। आज के इस वीडियो हम सीखेंगे एक्सेल में सेल्स डैशबोर्ड क्रिएट करना। तो मैंने यहां पहले से ही एक सेल्स डैशबोर्ड क्रिएट किया हुआ है, जिसमें आप एक तरफ देख रहे होंगे यहां पर एक प्रोडक्ट लिस्ट मैंने क्रिएट की हुई है, और एक तरफ मैंने यहाँ पर चार्ट, कुछ चार पाँच तरह के यहाँ चार्ट मैंने क्रिएट किए हैं। एक ईयरली सेल्स के हिसाब से, एक मंथली वाइज सेल के हिसाब से, और एक यहाँ पर सेलर सेल्स डेटा है, और एक यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट सेल्स क्वांटिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर चार तरह के मैंने यहाँ पर चार्ट क्रिएट किए हुए हैं, और यहाँ पर एक लिस्ट मैंने यहाँ पर ली हुई है। ठीक है, तो अभी देखिए, जैसे मैं किसी अगर ईयर पर यहाँ क्लिक करूँगा तो आप देख रहे होंगे कि सारा कुछ यहाँ भी सब कुछ चेंज होते जा रहा है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर भी, मतलब सब कुछ यहाँ पर भी जो है इसके अकॉर्डिंग चेंज होते जा रहा है। ठीक है, अगर मैं किसी मंथ में क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे होंगे यहाँ तो हो ही रहा है रिफ्लेक्ट, और यहाँ भी देखिए लिस्ट यहाँ भी चेंज होती जा रही है। ठीक है, अगर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी देखिए इस तरह से रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो किसी भी मंथ में अगर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख रहे होंगे, जैसे मैं अगर किसी मंथ या ईयर पर क्लिक कर रहा हूँ तो सेम चीज़, वो चीज़ यहाँ भी चेंज हो रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ भी चेंज हो रही है, प्लस जो हमने लिस्ट यहाँ क्रिएट की है यहाँ भी चेंज हो रही है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर किसी प्रोडक्ट के थ्रू भी अगर देखना चाहूँ इस लिस्ट से, सब्सक्राइब मैं अगर कंप्यूटर का देख रहा हूँ यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर ओके किया। ठीक है, तो कंप्यूटर की एली सेल यहाँ आ गई है, यहाँ मंथ वाइज सेल यहाँ भी हो गया है रिफ्लेक्ट, जो हमने बताया था सेलर का डेटा भी आ गया है, और यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर भी कंप्यूटर का ये चार्ट यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, ठीक है, तो ये है एक सेल्स डैशबोर्ड, कंप्लीट सेल्स डैशबोर्ड हो तो आपको मैं सिखाऊंगा कि कैसे आप भी सेम ऐसे ही सेल्स डैशबोर्ड को जो है एक्सेल में क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं फिर। तो सबसे पहले मैं जितना भी मैंने यहाँ जो भी क्रिएट किया हो, मैं सभी इन सबको यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ, ताकि मैं आपको शुरू से इसको समझा सकूँ वन बाय वन, कैसे मैंने इसको क्रिएट किया और कैसे आप भी इसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मैं और चेक कर लेता हूँ यहाँ पर, ताकि कोई डेटा ना रहे। आई थिंक सारा कुछ यहाँ पर डिलीट हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक रॉ डेटा है, जिसमें तकरीबन ये 497 रिकॉर्ड हैं, ये सेलर नेम है। ठीक है, और ये प्रोडक्ट हैं जिनका सेल हुआ है, और इन प्रोडक्ट की क्वांटिटी है, उनका प्राइस है, और उन्हीं प्राइस को मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल जो उनका सेल अमाउंट है। ठीक है, तो ये हमारे पास रॉ डेटा है। तो सबसे पहले हमें ये डेटा को हमेशा जस्टिफाई करना पड़ेगा कि इस डेटा से हम क्या क्या चीज़ें यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे, हम यहाँ सेलर नेम के अकॉर्डिंग भी एक पिवट चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, प्रोडक्ट वाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं फिर। तो सबसे पहले हम पूरा ये डेटा सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दो ऑप्शन होते हैं, एक पिवट टेबल का होता है या एक पिवट चार्ट का होता है। तो हम ये पिवट चार्ट वाला ऑप्शन यहाँ चूज करेंगे और यहाँ पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो अभी डेट पर हम यहाँ क्लिक करेंगे। ठीक है, तो डेट पर यहाँ पर आप देख रहे होंगे बाय डिफॉल्ट यहाँ पर ईयरली आ गया है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर क्वार्टरली भी रखना है तो क्वार्टरली भी आप यहाँ पर रख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, अगर आपको ईयरली दिखाना तो ईयरली दिखा सकते हैं, अदरवाइज आपको इसको ईयरली ही दिखा सकते हैं, या आपको इसको आप मंथ वाइज भी दिखा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ईयरली दिखाना तो आप ईयरली पे क्लिक करेंगे, क्वार्टरली दिखाना तो क्वार्टरली भी करेंगे। ठीक है, तो अभी ये मैं इसको खाली, मैंने जस्ट समझाने के लिए आपको बताया, इसको मैं सबको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो डेट हमारी आ गई, ये ईयरली का डेटा आ गया हमारा। ठीक है, तो इसका हम सेल यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो ये सेल आ गई है, यहाँ पिवट टेबल भी क्रिएट हो गया और यहाँ पर चार्ट भी क्रिएट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम जो है इसका फॉर्मेट चेंज कर देंगे। अकाउंटिंग में आप आएंगे तो यहाँ पर आप जस्ट सिंपल
जीरो प्रेस करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से ये शो हो जाएगा। इसको हम सॉर्ट कर लेंगे, जो लार्जेस्ट अमाउंट है टॉप में आ जाएगा और जो छोटा है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि ये चार्ट भी यहाँ पर क्रिएट हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो डेटा है उसको भी यहाँ ले आएंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख देंगे ईएलडी सेल्स। ठीक है, और इसको हम जो है सॉरी, ये हमारा एक चार्ट बन गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ईएलडी सेल्स। ठीक है, अगला हमारा बाई डिफॉल्ट सेलेक्ट हो रखा है, इंसर्ट में आना है हमें दोबारा। पिवट चार्ट में हम आएंगे, अभी हमने ईयरली बनाया तो अब हम बनाएंगे मंथली। ठीक है, तो यहाँ पर हम ईयरली को रिमूव कर देते हैं, क्वार्टरली को भी रिमूव कर देते हैं, मंथली हमारा आ गया है, टोटल सेल्स हमारी आ गई है, तो चार्ट भी यहाँ पर ऑटोमेटिक बन के आ गया है। तो इसका भी हम जो है उसको करेंसी फॉर्मेट में इसको चेंज कर देंगे। फॉर्मेट सेल्स में हम आएंगे अकाउंटिंग। ठीक है, ओके। देन अगला स्टेप हमारा है, इसको हमें जो है लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट करना है, तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू टॉप में आ गई है। ठीक है, तो चार्ट यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि कोई और आपको चार्ट यहाँ से लेना है तो यहाँ से आप कोई भी चार्ट यहाँ से इस तरह से ले सकते हैं। ठीक है, बाहर वाला चार्ट ले सकते हैं या पाई वाला ले सकते हैं। ठीक है, पाई का चार्ट भी आ गया है, और यहाँ से अगर आप चाहें तो डेटा लेबल इस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो डेटा लेबल आ गया है, चार्ट टाइटल अगर रखना है तो ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ पर इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसका नाम लिख देंगे मंथ वाइज सेल। ठीक है, ये हमारा बन गया, थोड़ा हम इसको इस तरह से जाएंगे टॉप में। ठीक है, तो ये मंथ वाइज हमारा सेल्स का यहाँ पर चार्ट बन गया है। ठीक है, दो चार्ट हमारे क्रिएट हो चुके हैं, इंसर्ट है बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हो रखा है, जैसे हमें यहाँ पर पिवट चार्ट पे क्लिक करना है। अब हम यहाँ पर सेलर वाइज डेटा क्रिएट करेंगे। ठीक है, टोटल सेल ये आ गया हमारा डेटा बनके, तो यहाँ भी हम सेम ऐसे ही करेंसी का फॉर्मेट अगर आपको ये रखना है तो ये भी रख सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हमें क्या है लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट करना है, तो ये हमारा बन गया है चार्ट। अगर आपको ये लग रहा है ठीक है, अदरवाइज आप इसको यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, इसमें आप डेटा यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आ गया, तो ये हमारा चार्ट बन गया यहाँ पर। सेलर सॉरी सेलर सेल्स डेटा भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा चार्ट बन गया है, तो हम यहाँ भी रीनेम कर देते हैं ताकि हमें बाद में इसको फाइंड करने में आसानी हो। ठीक है, तो तीन चार्ट हमारे बन चुके हैं, अब देखते हैं और हम इसमें क्या बना सकते हैं। इंसर्ट करना है हमें सेम वैसे ही, पिवट चार्ट में आना है। ठीक है, तो पिवट चार्ट में जब हम यहाँ आएंगे, इसको मैं कट कर देता हूँ। ठीक है, देखिए हमारे सेल्स वाइज सेलर वाइज हमने निकाल दिया, ईयरली निकाल दिया हमने, मंथली निकाल दिया, अब हमें निकालना है प्रोडक्ट वाइज। ठीक है, तो प्रोडक्ट की पूरी लिस्ट आ गई है, ये क्वांटिटी आ गई है, कितना क्वांटिटी उनकी सेल हुई है, और ये उनकी सेल भी यहाँ पर आ गई है। ठीक है, तो इसके लिए हम इस चार्ट को रिमूव करते हैं, खाली उसकी लिस्ट हम यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम जो है जिनकी सेल्स ज़्यादा है उसको हम हाइस्ट रख देंगे। ठीक है, ये सेल आ गई है, तो ये हमारा आइटम
आइटम वाइज सेल्स लिस्ट। ठीक है, अब हम यहाँ चार्ट एक और क्रिएट करेंगे, देखते हैं कि और कौन सा चार्ट हम यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। व्यूअर चार्ट में आएंगे हम, हमने सेल वाइज कर दिया, प्रोडक्ट वाइज कर दिया, क्वांटिटी कर दिया हमने, टोटल सेल्स आ गया, क्वार्टरली हमने रख लिया है। तो आई थिंक अभी हमें और यहाँ पर कोई चार्ट की नीड नहीं है, क्वांटिटी हमने रख लिया, टेल्स ये रख लिया, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर अब हटा देते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखिए हमने कितने हमारे चार्ट क्रिएट हो गए हैं, एक दो तीन, ठीक है, तीन ही चार्ट हमारे यहाँ क्रिएट हो पाए हैं। तो तीन चार्ट है, बाकी एक लिस्ट है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, जितना भी हमारा डेटा बन चुका है सबको हम एक शीट पे यहाँ ले आएंगे। तो यहाँ पर हम आएंगे, जब व्यू में जब आएंगे तो इसको हम इस तरह से यहाँ पर ग्राइड लाइन्स इसकी हटा देंगे। ठीक है, अब हमें जस्ट उसको बस यहाँ पर कॉपी करना है। ठीक है, सबसे पहले ये जो लिस्ट है इसको हम पूरा यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा और बेटर लुक में इसको आप इस तरह से, इसकी फॉर्मेटिंग भी यहाँ से कर सकते हैं आप। ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया, ठीक है, यहाँ पर एक, सॉरी, मैंने एक सीट क्रिएट की थी, आई थिंक ये वाली सीट है। ठीक है, तो हम ये जो लिस्ट हमने वहाँ क्रिएट की थी उसको हम यहाँ पर इस तरह से, हमने यहाँ पर इसको कॉपी कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे ईयरली वाला सेल्स चार्ट बनाया हमने, इसको हम भी यहाँ पे कॉपी करेंगे इस तरह से। ठीक है, ईयरली हो गया हमारा, अब है हमारा नेक्स्ट मंथली वाइज, इसको भी हम कॉपी करेंगे, इसको हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। अभी जैसे हम कॉपी कर रहे हैं, अरेंज हम इसको बाद में करेंगे। सेलर सेल्स डेटा है, इसको हम यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए कितने चार्ट बने थे हमारे, तीन चार्ट हमने बनाए थे यहाँ, ईयरली वाइज, मंथली वाइज, सेलर वाइज जो डेटा है, ठीक है, और एक आइटम वाइज लिस्ट। अब देखिए ये क्या है, रॉ डेटा है, इसमें आई थिंक कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी सीट है जहाँ हमें अब इसको करना है, तो मैं इसको इधर ले आता हूँ। ठीक है, ये सीट हमारी है, इसमें कुछ काम है नहीं, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, रिमूव हो गया है, अब हमें बस इसको एक बेटर लुक देना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस वाले चार्ट को थोड़ा बड़ा कर लेंगे यहाँ तक। ठीक है, चार्ट को आप उतना स्ट्रेच कर सकते हैं जहाँ कि आपका डेटा जो है पूरी तरह से आपको शो हो जाए। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा और मुझे स्ट्रेच करना पड़ेगा क्योंकि नीचे वाला जो डेट चार्ट है उसका थोड़ा डेटा यहाँ पर बड़ा है। ओके, ये हो गया हमारा, तीन चार्ट हमारे बन चुके हैं। तो हम चाहें तो इसमें एक चार्ट और क्रिएट कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं प्रोडक्ट वाइज। ठीक है, लिस्ट हमारी यहाँ बनी हुई है। ठीक है, वैसे नीड तो उसकी नहीं है, लेकिन हम अगर चाहें तो उसका चार्ट भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सिंपल यहाँ दोबारा आएंगे, पिवट चार्ट में आएंगे, नेम ऑफ प्रोडक्ट एंड ये हो गया उसका सेल। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ प्रोडक्ट का चार्ट भी यहाँ पर बन गया है, शायद हमने पहले बनाया था पर मैंने रिमूव कर दिया था। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर चार्ट का हम टाइटल यहाँ से चेंज, सॉरी टाइटल नहीं, इसका टाइप जो है इसको चेंज कर सकते हैं, कॉलम में ले सकते हैं इसको, ये भी ठीक है, तो इसी को हम यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम यहाँ पर सिंपल सा कॉपी कर लेंगे, इसको हम यहाँ डेटा लेबल ऐड कर देते हैं इसका, और यहाँ हम लिख देंगे प्रोडक्ट
वाइच, सॉरी सेल, ठीक है। तो जस्ट हम इसको यहाँ पर यहाँ से कॉपी करेंगे। अब लिस्ट हमारी कहाँ थी वो हमें देखनी है, यहाँ पर है लिस्ट हमारी। इसको हम यहाँ से कट कर देंगे पूरा, तीन चार ऑलरेडी हमारे ऊपर बन चुके हैं, तो हम इसको लाएंगे अब यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हम क्या है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा यहाँ पर इस तरह से इसको यहाँ पर ड्रैग कर लेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखिए हमारे सारे चार्ट यहाँ पर आ चुके हैं। ईयरली सेल्स आ चुकी है हमारी, मंथली वाइज सेल आ चुकी है, सेलर सेल्स डेटा आ चुका है, सेलर ने जिस अपने हिसाब से सेल किया, और यहाँ पर प्रोडक्ट वाइज भी हमारे पास सेल आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, अगर आपको कुछ इसमें चीज़ चेंज करनी है, कुछ प्लॉट एरिया यहाँ से आपको इसका कोई कलर करना है, तो आप यहाँ से आके कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप इसको इस तरह फिल कर सकते हैं, ठीक है। और कलर आपको यहाँ से कोई अगर चेंज करना है, किसी तरह का और रखना है, तो यहाँ से भी आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बॉर्डर आपको यहाँ पर जो रखना है, कोई सॉलिड लाइन रखनी इस तरह की, तो आप यहाँ से दिखा सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपको 3D या 2D में कुछ इसको अलग से दिखाना है, तो आप यहाँ से भी इसको इस तरह से दिखा सकते हैं, ठीक है। इसमें भी सेम है, अगर आप यहाँ कुछ करना चाहते हैं तो इसमें भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन हैं जो आपको इसमें सही लगता है, अगर आपको यहाँ से इसको चेंज करना है या आपको इधर से कोई अलग इसको बेटर लुक देना है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी हैं जिसका आप यूज कर सकते हैं, और आपको जिस तरह से नीड है उसको आप यहाँ से यूज करके उसको आप अच्छा और भी गुड लुक दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे सारे चार्ट यहाँ पर आ चुके हैं, लिस्ट हमारी आ चुकी है, सब कुछ हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अभी हमें जस्ट यहाँ पर एक स्लाइसर ऐड करने हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर आपको किसी भी पीपर चार्ट पर क्लिक करना है, एनालाइज पर आना है, यहाँ पर इंसर्ट स्लाइसरों का ऑप्शन है। तो पहला हम यहाँ ले लेते हैं ईयरली ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा ईयरली का यहाँ स्लाइसर आ चुका है, जस्ट हम इसको अब यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर देंगे सही ढंग से, ठीक है। और इसको हम थोड़ा यहाँ तक ले आएंगे, ठीक है। हमारा एक स्लाइसर ये ऐड हो गया। तो स्लाइसर आप इसमें जितने चाहे अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। अभी मैं नेक्स्ट ले रहा हूँ यहाँ पर मंथ वाइज, ठीक है। तो मंथ वाइज भी हमारा स्लाइसर यहाँ पर क्रिएट होकर आ गया है, तो इसको भी हम थोड़ा यहाँ पर इसका साइज जो है अरेंज कर लेंगे सही ढंग से, ठीक है। ये हमारा यहाँ मंथ वाइज हमें यहाँ मिल चुका है। अब इसको भी अब हम यहाँ पर आएंगे, स्लाइसर इसमें आप कितने भी ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको यहाँ लग सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट अगर आपको प्रोडक्ट वाइज भी चाहिए, तो यहाँ पर आप फिर आएंगे यहाँ पर, आप यहाँ आने के बाद आपको यहाँ पर एनालाइज पर आना है। एनालाइज पर आने के बाद यहाँ लिस्ट हमारे पास आ चुकी है सामने, प्रोडक्ट पर क्लिक करना है। ये स्लाइसर यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, बस जस्ट हमको यहाँ से इसको ला के यहाँ पर रखना है, ठीक है। ये प्रोडक्ट की लिस्ट भी यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जितने भी स्लाइसर हमने यहाँ लिए हैं, सॉरी मैं यहाँ पर फिल्टर का रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। इसको भी हम थोड़ा यहाँ पर इस तरह से ले आते हैं, ठीक है। अब सारे स्लाइसर हम बन गए। अब हमारा लास्ट काम क्या है कि जितने भी हमारे पीवट चार्ट हैं सबको हमें एक दूसरे से कनेक्ट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम स्लाइसर पे यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, रिपोर्ट कनेक्शन में आएंगे, जितने भी यहाँ पीवट हमने क्रिएट किए हैं सबको हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। आपको याद रखना है कि जितने भी पीवट आपने बनाए हैं सबको आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी जाके ये आपका यहाँ पर हर कोई चीज़ रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। राइट क्लिक, रिपोर्ट कनेक्शन, जितने भी पीवट टेबल या चार्ट जो भी आपने यहाँ क्रिएट किए हैं वो सबको आपको जो है यहाँ पर इस तरह से कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। हमारा ये हो गया
सेकंड हो गया। अब हमें थर्ड पर करना है ऐसे ही, रिपोर्ट कनेक्शन में आना है, सेम सभी पिवट टेबल जितने भी हमने यहाँ पर क्रिएट किए थे वन बाय वन आपको सभी जो है सिलेक्ट करने हैं इसी तरह से, ठीक है। तो यहाँ तक हमने जो है सारे जितने भी स्लैश सब में हमने यहाँ पर कनेक्ट कर लिया। अब हम चलिए देखते हैं ट्रायल। फॉर एग्जांपल मैंने अगर किसी ईयर पे यहाँ क्लिक किया तो देखिए मैंने यहाँ क्लिक किया तो लिस्ट भी देखिए यहाँ इफेक्ट हुई है, और यहाँ भी देखो ये चीज़ भी यहाँ पर चेंज हुई है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर 2020 करें तो देखिए यहाँ भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, हर चीज़ यहाँ भी चेंज हो रही है आप देख रहे होंगे, ये देखिए यहाँ भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। ये हमारा हो गया ईयर। अगर हम इसको देखें क्लियर करते हैं फिल्टर यहाँ से, अब हम देखते हैं यहाँ पर मंथ वाइज, ठीक है। तो मंथ वाइज देखिए यहाँ भी मैंने क्लिक किया तो यहाँ भी चीज़ सेम चीज़ यहाँ भी रिफ्लेक्ट हो रही है। अब हम नीचे आके देखते हैं यहाँ भी बिल्कुल यहाँ भी ठीक है, ठीक है। तो मंथ वाइज भी हमने एक बार चेक कर लेते हैं रेंडमली। अब यहाँ पर अगर हम किसी जून मंथ का लिया मैंने तो जून मंथ की लिस्ट यहाँ पर आ चुकी है, और यहाँ भी देखिए सब कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है जो भी डेटा है इस पर, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। अब इसको हमने यहाँ से हटाया। अब हम यहाँ पर देखेंगे एक बार प्रोडक्ट वाइज, कंप्यूटर का हमें देखना है यहाँ पर, तो मैंने कंप्यूटर पे सेल किया, आप यहाँ देख रहे होंगे कंप्यूटर लिखा हुआ है, ठीक है, कंप्यूटर का ये सेल आ गया यहाँ पर। सेम चीज़ यहाँ भी आ रही है, ठीक है, और यहाँ पर इसकी टोटल सेल यहाँ से आ रही है, ठीक है। तो स्लाइसर का सबसे बेस्ट यूज में यही है, ये देखिए आप मैंने किसी एक पर मैंने किया, जूसर का यहाँ पूरा आ गया है, ठीक है, डेटा उसका पूरा यहाँ पर आ गया है। अब इसको मैं क्लिक करके हटा दिया मैंने, ये तो हमने देखा था स्लाइसर के थ्रू। अगर मैं यहाँ किसी लिस्ट के थ्रू देखता हूँ किसी प्रोडक्ट का, सब उसको मैंने यहाँ पर लिया कूलर और ओके किया, ठीक है। तो कूलर मैंने यहाँ किया तो कूलर का यहाँ पर हुआ, तो देखिए यहाँ भी डिटेल पूरा यहाँ चेंज हो गया है सब कुछ। प्रोडक्ट वाइज में यहाँ आएंगे देखिए ये कूलर का डिटेल यहाँ पर आ गया है, ठीक है। फिल्टर हटाऊँ यहाँ से, अगर मैं क्लियर फिल्टर, और यहाँ पर हम अगर लैपटॉप का ले लेते हैं, ठीक है, ये था इसका, ये देखिए ये लैपटॉप का आ गया पूरा यहाँ पर डेटा, ठीक है, लैपटॉप, ठीक है। अब फिल्टर को इसको रिमूव कर देता हूँ, हटा दिया मैंने, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि सेल्स डैशबोर्ड हमने कितने सिंपल तरीके से बनाया, और इसको बनाने में कोई ज़्यादा डिफिकल्टी भी नहीं है, बस आपको कुछ चीज़ें फॉलो करनी है। सबसे पहले आपको रॉ डेटा को अंडरस्टैंड करना है, देन उसके बाद आपको पिवट टेबल क्रिएट करना है, पिवट चार्ट क्रिएट करना है, फिर आपको उसको एक अलग शीट पर कॉपी पेस्ट करना है, फिर उन चार्ट को आपने सही से अरेंज करके उसमें आपको स्लाइसर इंसर्ट करना है, फिर उन स्लाइसर को आपको जितने भी आपने पिवट टेबल क्रिएट किए हैं सबको आपको एक दूसरे से कनेक्ट करना है, ठीक है, ताकि आप जब भी कोई चेंज अगर किसी भी लिस्ट में अगर क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिक वो सारी चीज़ वहाँ से जो है चेंज होती जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही है, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।